हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज हमारी टीम आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आ चुकी है जिसका हेडिंग है उर्दू अपनी जुबान क्लास 8 चैप्टर नंबर 21 लालच और इसका हल। ये एनसीईआरटी क्लास 8 का उर्दू अपनी जुबान का चैप्टर नंबर 21 का हल और उसका सलूशन है। चैप्टर नंबर 21 के अंदर जो भी होमवर्क दिया गया है उसको इसके अंदर हल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका हेडिंग आप देख सकते हैं, दिया गया है लालच। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है लफ्ज और माना को। अमृत ये लफ्ज है, इसका माना है आबे हयात, वो पानी जिसके पीने से मौत नहीं आती। मसाफत ये लफ्ज है, इसका माना है फासला। मुजर्रब ये लफ्ज है, इसका माना है आजमाया हुआ। जायल होना ये लफ्ज है, इसका माना है मिट जाना, ख़त्म हो जाना। जमा पूंजी ये लफ्ज़ है, इसका माना है वो दौलत जो बचा कर रखी जाए। गिरानी ये लफ्ज़ है, इसका माना है भारीपन। बादिले नाखास्ता ये लफ्ज़ है, इसका माना है न चाहते हुए। मेहमान नवाजी ये लफ्ज़ है, इसका माना है मेहमान की खातिरदारी। कीमियागिरी ये लफ्ज़ है, इसका माना है सोना बनाने का अमल। कीमियागिरी ये लफ्ज़ है, इसका माना है सोना बनाने का अमल। नादारों ये लफ्ज़ है, इसका माना है जिसके पास कुछ ना हो। मुफलिस गरीब, ये तीन माना है, कोई आप एक माना नोट कर सकते हैं। नादिर की जमा ये बता रहा है कि नादिर ये सिंगुलर है यानी वाहिद है, और नादारों ये प्लुरल यानी जमा है। मुहसिन ये लफ्ज़ है, इसका माना है एहसान करने वाला। संगदिल ये लफ्ज़ है, पत्थर दिल बेरहम, इसका माना है। ओझल ये भी लफ्ज़ है, इसका माना है गायब। एक्सरसाइज का अगला पार्ट है सोचिए और बताइए, जिसको आप इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर भी कहते हैं। सबसे फर्स्ट सवाल दिया हुआ है मशकूब को अजनबी मुसाफिर पर क्यों रहम आया। इसका जवाब है मशकूब को अजनबी मुसाफिर पर इसलिए रहम आया क्योंकि वो एक लंबा सफ़र तय करके आया था और वो प्यासा होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था। सवाल नंबर दो है मुसाफिर ने मशकूब को क्या हिदायत दी। इसका जवाब है मुसाफिर ने मशकूब को एक किताब देते हुए ये हिदायत की कि इसमें दवा की तैयारी का नुस्खा और तरीका दर्ज है, इस पर अमल किया कीजिए। और याद रखिए कि किसी भी गरीब आदमी से दवा की कीमत न लीजिए वरना दवा का असर जाता रहेगा यानी ख़त्म हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है मशकूब हकीम मशकूब कैसे बना। इसका जवाब है मशकूब मुसाफिर ने मशकूब को नुस्खा की किताब दी जिससे दवा बनाकर वो लोगों को दवाइयाँ देने लगा, इस तरह वो मशकूब से हकीम मशकूब बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम फिर से देख लेते हैं, मशकूब हकीम मशकूब कैसे बना। सवाल ये है मशकूब हकीम मशकूब कैसे बना, जवाब आप देख ही लिए हैं। सवाल नंबर 4 है दवाओं का असर क्यों ज़ायल हो गया। इसका जवाब है मशकूब ने एक नहायत गरीब आदमी से उसके बच्चे के इलाज के लिए पैसा तलब किया और बड़ी मन्नत समाजत के बाद भी उसे मुफ्त में दवा ना दी जिसकी वजह से दवाओं का असर ज़ायल हो गया। सवाल नंबर 5 है सांडनी सवार ने मशकूब को अपने बारे में क्या बताया। इसका जवाब है सांडनी सवार ने मशकूब से कहा कि मैं एक बेयारो मददगार मुसाफिर हूँ, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, अंधेरा छाने वाला है, एक रात के लिए मुझे अपने घर ठहरने की इजाज़त दे दें। सवाल नंबर 6 है कीमती किताब पत्थर में क्यों तब्दील हो गई। इसका जवाब है मशकूब ने मुसाफिर की बात न मानी और ख़ुद अकेले ही सोना बनाने की ठानी, इसलिए उसकी कीमती किताब पत्थर में तब्दील हो गई। सवाल नंबर 7 है मुसाफिर ने मशकूब से गिड़गिड़ा कर क्या कहा। इसका जवाब है
मुसाफिर ने गिड़गिड़ा कर कहा कि मैं भूखा प्यासा एक बेयारो मददगार शख्स हूँ, मुझे एक रात अपने घर ठहरने की जगह दे दो। सवाल नंबर 8 है, वो अली सीना कौन थे और उन्होंने मशकूक से क्या कहा? इसका जवाब है, वो अली सीना एक नामी तबीब थे। उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी गरीबों और मोहताजों के लिए वक्फ है, मगर तुम्हारी संग दिली ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया और दो कीमती किताबों को पत्थर बना दिया अब ये पत्थर कीमती किताबों में उस वक्त तक तब्दील नहीं हो सकते जब तक तुम जैसे संग दिल लोग अपनी ज़िंदगी गरीबों और मोहताजों की भलाई के लिए वक्फ न कर दें। जो भी शख्स ऐसा करेगा उसके दिल की गर्मी उन पत्थरों को पिघला सकेगी। इल्म व अक़ल सोने से नहीं खरीदे जा सकते, बल्कि सोना हासिल करने के लिए इल्म और अक़ल के साथ साथ दर्द मंद दिल भी पैदा करना पड़ता है। ये कहकर बुआली सीना नज़रों से ओझल हो गए। एक्सरसाइज का अगला पार्ट है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, यानी कुछ लफ्ज़ है उससे आपको सेंटेंस यानी जुमला बनाना है। मुजर्रब ये लफ्ज़ है, इससे एक जुमला बनाना है। मुसाफिर ने मशकूब को एक मुजर्रब नुस्खा दिया। बादिले नाखास्ता ये लफ्ज़ है, इससे एक जुमला बनाना है। मशकूब ने बादिले नाखास्ता मुसाफिर की बात मान ली। कीमियागिरी ये भी एक लफ्ज़ है, इससे एक जुमला बनाना है। मुसाफिर ने मशकूब को कीमियागिरी सिखाई। मुरब्बी ये लफ्ज़ है, इससे एक जुमला बनाना है। उस्ताद भी एक अच्छा मुरब्बी होता है। जमा पूंजी, इससे एक जुमला बनाइए। अपनी जमा पूंजी को ख़त्म नहीं करना चाहिए। ओझल ये लफ्ज़ है, इससे एक जुमला बनाना है। मुसाफिर नज़रों से ओझल हो गया। मिस्कीन ये लफ्ज़ है, इससे एक जुमला बनाना है। वो एक मिस्कीन और लाचार शख्स था। एक्सरसाइज का अगला पार्ट है, इन लफ्ज़ों के मुतजाद लिखिए, यानी कुछ लफ्ज़ दिया हुआ है उसका उल्टा लफ्ज़ अपोजिट लफ्ज़ लिखना है, जिसको उर्दू में कहा गया है मुतजाद लफ्ज़। तंदुरुस्त ये लफ्ज़ है, इसका उल्टा लफ्ज़ यानी अपोजिट लफ्ज़ जो होगा वो बीमार होगा। अजनबी इसका मुतजाद लफ्ज़ है जानने वाला। खुशहाल इसका मुतजाद बदहाल। मुस्तहिक इसका मुतजाद गैर मुस्तहिक। नादार इसका मुतजाद हकदार। मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, ये एक्सरसाइज का अगला पार्ट रहेगा। यानी कुछ मुहावरा दिया गया है जिसको आप जुमले में इस्तेमाल कीजिए। अक़ल पर पर्दा पड़ जाना, इससे एक जुमला बनाना है। उसके अक़ल पर पर्दा पड़ गया था। नशा हिरण होना, इससे एक जुमला बनाना है। बहादुर पहलवान को देखकर उसका नशा हिरण हो गया। नशा हिरण का मतलब होता है यानी किसी ताकतवर चीज़ को देखकर डर के मारे भाग जाना वहाँ से। पत्थर पिघलाना ये लफ्ज़ है, इससे एक जुमला बनाना है। स्टूडेंट को अपने काबू में रखना पत्थर पिघलाने जैसा काम है, तो पत्थर पिघलाना ये एक मुहावरा रहेगा। यानी सब मुहावरा दिया हुआ है, बस इससे आपको जुमला बनाते जाना है। थक कर चूर होना ये लफ्ज़ है, इससे एक जुमला बनाना है। वो दिन भर काम की वजह से थक कर चूर हो गया। एक्सरसाइज का अगला पार्ट है, सही जुमले पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। सबसे फर्स्ट जुमला दिया हुआ है, पेशे की निस्बत से लोग उसे मशकूक कहकर पुकारते थे। ये सही है, यानी किताब के अतबार से जो भी जुमला इसमें आपको सही लगे उस पे सही का टिक लगाना है, और जो जुमला गलत दिया हुआ है उस पे गलत का टिक लगाना है। दूसरा जुमला है, मुसाफिर ने मशकूब को मुजर्रब नुस्खा नहीं दिया, ये बात गलत है, तो गलत का टिक लगा देना है। तीसरा जुमला है, नुस्खा पाकर भी मशकूब सड़कों पर पानी बेचता रहा, ये गलत है। नुस्खा पाकर तो वो तो हकीम बन गया था, तो ये बात गलत लिखी हुई है, तो गलत का टिक लगा देना है। चौथा जुमला है, मशकूब की दवाएं असर वाली नहीं थी, ये बात गलत है।
तो गलत का टिक लगाइएगा। लोग मशकूक के नाम से मुखातिब करने लगे, ये बात सही है, ये वाला जुमला भी सही है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर लफ्ज़ होने चाहिए लोग उसको मशकूब हकीम मशकूब के नाम से मुखातब करने लगे। यहाँ पर हकीम का लफ्ज़ बढ़ाना चाहिए बुक के अंदर, लेकिन नहीं दिया गया है, तो आप जो है सही का ही टिक लगाइएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके अंदर। तो एक दिन एक गरीब आदमी अपने बीमार बच्चे की दवा लेने आया, ये बात भी सही है, तो सही का टिक लगाइएगा। मशकूब की नुस्खे वाली किताब गायब हो गई, ये बात भी सही है। अजनबी मुसाफिर बुआली सीना थे, ये बात भी सही है। अगला जुमला है, मशकूब को अजनबी मुसाफिर पर रहम आ गया, ये जुमला भी सही है। एक्सरसाइज का अगला पार्ट है, पढ़िए और समझिए और लिखिए। इसमें दिया हुआ है मुसाफिर का मतलब है सफर करने वाला, ये इसमें फाइल है यानी ऐसा इसम जिससे किसी काम के करने का पता चले, इसमें फाइल कहलाता है। इसके अंदर एक कायदा को बताया गया है, यानी आप जो भी काम कर रहे हैं उसको तो मफूल कहा जाता है और करने वाले को फाइल कहा जाता है। जैसे आप किसी को पीट रहे हैं तो आपको कहा जाएगा आप मारने वाला हैं, तो आप फाइल हो गए, जिसको मार रहे हैं वो मफूल हो जाता है। तो इसी तरीके से इसके अंदर मुसाफिर सफ़र करने वाला तो वो इसमें फाइल कहलाएगा, और किस चीज़ का सफ़र कर रहा है वो मफूल हो जाएगा। ठीक, तो इसमें फाइल और इसमें मफूल दो चीज़ें हुआ करती है। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि जाने वाला, खाने वाला, पीने वाला, सोने वाला, उठने वाला, बैठने वाला, ये सब इसमें फाइल होता है। तो उसको जो है एक लफ्ज के अंदर ला देना है, जैसे यहाँ पर तलब करने वाला, ये इसमें फाइल बनाना है इससे, तो हम क्या करेंगे इसका लफ्ज बना देंगे एक तालिब। जैसे मुसाफिर सफर करने वाले से बना हुआ है, ठीक, तो इसी तरीके से तलब करने वाला से हम बना देंगे तालिब। अगला लफ्ज़ है शेर कहने वाला है, इससे इसमें फाइल बना देंगे शायर। शुक्र अदा करने वाला है, इससे इसमें फाइल बना देंगे शाकिर। इबादत करने वाला, इससे इसमें फाइल बना देंगे आबिद। हिफ्ज करने वाला, इससे इसमें फाइल बना देंगे हाफिज। तो इसको बनाने का आसान तरीका ये है कि जो भी लफ्ज़ है, जैसे शेर आप यहाँ पर देख रहे होंगे शेर, तो इसके बीच में सबसे पहला लफ्ज़ और दूसरा लफ्ज़ के बीच में अलिफ लगा दीजिए, इसमें फाइल बन जाएगा। आप देख लीजिए लगाकर, शीन ऐन ये दोनों के बीच में अलिफ लगा हुआ है, इसमें फाइल बन गया है। शुक्र ये लफ्ज़ है, इसके दोनों के बीच में देखिए यहाँ पर शीन और काफ के बीच में जो है अलिफ लगा दिया गया है, शाकिर इसमें फाइल बन गया है। आबिद ये इबादत का लफ्ज़ है, इसमें आइन और बा ये दोनों के बीच में अलिफ लगा दिया गया है, इसमें फाइल बन गया है। हाफिज हा और फा के बीच में अलिफ लगा दिया गया, इसमें फाइल बन गया। तो इसमें फाइल बनाने का आसान तरीका यही है कि जिस लफ्ज से आपको इसमें फाइल बनाने के लिए कहा जाए उसके पहला लफ्ज और दूसरे लफ्ज के बीच में अलिफ को डाल दीजिए, इसमें फाइल बन जाएगा। इसी पर वीडियो ख़त्म हो जाती है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर अगले वीडियो के लिए।